चार राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मोदी का पहला पूर्वांचल दौरा, वाराणसी के खजूरी मैदान में आज 1:30 बजे करेंगे रैली। रैली के लिए बीजेपी ने की जबरदस्त तैयारी, 80 फीट का बनाया गया मंच, 3 से 5 लाख लोगों के आने की जताई उम्मीद। मोदी रैली से पहले भगवान शंकर का लेंगे आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। यूपी के बदायूं में आज समाजवादी पार्टी की रैली, अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। मोदी की रैली के चलते बदला गया दिन, पहले 21 दिसंबर को होनी थी बदायूं की रैली। मोदी की रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया चाय वालों को न्योता, 22 दिसंबर को होनी है मोदी की मुंबई में रैली। जासूसी कांड में मोदी को घेरने में जुटे गुजरात कांग्रेस के नेता, पीएम से की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में आज रखी जाएगी आदर्श घोटाले की रिपोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को मिल सकती है क्लीन चिट, राज्यपाल ने सीबीआई को नहीं दी थी केस दर्ज करने की इजाजत। AIADMK अध्यक्ष जयललिता ने भी ठोकी पीएम पद की दावेदारी, का वक्त आ गया है कि तमिलनाडु करे देश की अगुवाई। जयललिता के बयान से बीजेपी को धक्का, AIADMK ने पहले दिखाया था बीजेपी की ओर नर्म रुख। केजरीवाल के सवाल पर अब तक 5.25 लाख लोगों ने दी अपनी राय, गृहमंत्री का बयान, उपराज्यपाल पूछे कब तक सरकार बनाएंगे आप। शीला दीक्षित ने कहा कांग्रेस की मंशा पर केजरीवाल उठा रहे हैं सवाल, समर्थन के मुद्दे पर हाईकमान और उपराज्यपाल को सोचना होगा। अब वो तय करेंगे क्योंकि वो तो टालते जा रहे हैं चीजें, जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन देने को कह दिया अब वो कांग्रेस पार्टी पर ही पलटवार कर रहे हैं। आज तक से खास मुलाकात में बोले केजरीवाल, कहा चलाएंगे कांग्रेस बीजेपी से बेहतर सरकार, गवर्नमेंट बनी तो 4 महीने में कर देंगे बिजली का बिल कम। बिजली की कीमत 50% घटाना चाहते हैं, जनता तो इंतजार कर रही हो, कहती है अरविंद सीएम बने हमारे बिजली के दाम कम हो। होएंगे, कम होएंगे, आप चिंता मत। कितना वक्त लगेगा? हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 4 महीने। सामने आई टीम अन्ना और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, आज तक से बोली किरण बेदी, लोकपाल का विरोध करने पर केजरीवाल को लगेगा पाप। मैंने लॉ डिग्री की है, 35 साल की पुलिस सर्विस की है, कानून को कितनी बारी पढ़ा मैंने, शायद किसी ने उतना नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने पढ़ा इसको। सिलेक्ट कमेटी के एक एक छांट और एक एक लाइन लाइन, साथ में उसको कैसे पता है कि हमने अन्ना को नहीं पढ़ाया, उसने कैमरा लगाया अन्ना। आज लोकपाल बिल पर साइन कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, रालेगढ़ में जश्न की तैयारी। चार राज्यों में शिकस्त के बाद यूपी का बड़ा चुनावी दाव, ओबीसी कोटे में जाटों को शामिल करने के लिए नेशनल कमीशन से की सिफारिश। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मंच साझा कर सकते हैं अमिताभ बच्चन, 23 दिसंबर को एमएनएस की फिल्म विंग के समारोह में करेंगे शिरकत। अमेरिका ने देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से किया इनकार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा दूसरी एजेंसियों पर हम नहीं डालेंगे दबाव। देवयानी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने वाले भारतीय मूल की अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भरारा ने भी गिरफ्तारी को ठहराया सही, कहा नौकरानी है पीड़ित पक्ष। देवयानी मामले पर भारत ने सभी अमेरिकी राजनयिकों के एयरपोर्ट पास किए रद्द, कमलनाथ की दो टूक, अपमान पर माफी से कम कुछ भी नहीं मंजूर। देवयानी को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने दिया चुनाव लड़ने का न्योता, कहा इस्तीफा देकर आए तो समाजवादी पार्टी दे देगी रामपुर से टिकट।
दावत देते हैं अपनी बहन को कि वो नौकरी छोड़ें, हिंदुस्तान वापस आएं और उस पार्लियामेंट में जाकर बैठें जहां की आवाज़ अमेरिका के कानों तक पहुंचेगी। हम उन्हें रामपुर से चुनाव की दावत देना चाहेंगे और उसके लिए हम अपने नेताजी को भी तैयार करेंगे। पंजाब पुलिस के 5 जवानों पर 10वीं क्लास की लड़की के साथ रेप का आरोप, 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। रेप से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी लड़की, भाई ने बचाया। इलाके के पार्षद सौरभ जोशी की मदद से दर्ज हुआ केस। कुछ महीने पहले घरेलू झगड़े में लड़की ने बुलाई थी पुलिस, झगड़ा सुलझाने के बाद दोस्ती का झांसा देकर पुलिस वाले करते रहे रेप। गैंगरेप के आरोपी पुलिस वालों पर फूटा पब्लिक का गुस्सा, मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचे आरोपियों की लोगों ने की पिटाई, अस्पताल में भी की तोड़फोड़। फरीदाबाद में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से रेप का इल्जाम, मां की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले सतीश वाधवानी ने लगाया आसाराम के साधकों पर धमकी देने का आरोप, सूरत कोर्ट में वाधवानी ने दी थी गवाही। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही दी है, तब से मेरे मोबाइल पे धमकियां आ रही हैं, मुझे झूठे छेड़छाड़ के मामले में फंसाया गया। सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, रेप केस का आरोपी है नारायण साई। अफ्रीकी देश टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स आज पहुंचेंगे मुंबई, कल ही हुई है रिहाई। अपने 11 महीने के बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर सकेंगे कैप्टन सुनील, 2 दिसंबर को हुई बेटे विवान की मौत। ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट को गर्म रॉड से जलाया, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। मुंबई में हाईवे पर बाल बाल बचे कार सवार, आग लगने से धुधू कर जली कार। दिल्ली के तिलक नगर में पार्किंग के झगड़े में एनआरआई का कत्ल, हमलावरों ने सिर पर पत्थर से किया था वार। गाजियाबाद के विजयनगर में घर में घुसकर 6 नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, घर के मालिक पर चाकू से हमला। रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कबीरनगर इलाके से आधा दर्जन लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस का विरोध, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उपराज्यपाल को लिखेगी चिट्ठी, कहा राज्यपाल ने ना सुनी तो कोर्ट जाएंगे। तस्लीमा नसरीन के उपन्यास पर बने टीवी सीरियल का प्रसारण टला, विरोध के चलते टाला गया टेलीकास्ट। बढ़ सकती है सीजीएचएस कार्ड होल्डर की परेशानी, प्राइवेट अस्पतालों ने 15 जनवरी से कैशलेस स्कीम बंद करने की दी धमकी। बैंकों में शुरू हुई होम लोन ब्याज दरों में छूट की रेस, HDFC और SBI ने दरों में की कटौती। दिल्ली वालों को आज भी मिली कोहरे से राहत, लेकिन वीकेंड पर हल्की बारिश होने से 7 डिग्री तक जा सकता है पारा। जोहानसबर्ग टेस्ट में गेंदबाजों ने कराई भारत की वापसी, लेकिन अड़ गए गेंदबाज फील्डर, दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 213 रन, 280 पर सिमटी थी भारत की पहली पारी। राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव परिणाम 6 जनवरी तक टाला गया, ललित मोदी खेमे ने किया जीत का दावा। UAE के जयाद में ऊंटों की खूबसूरती पर लगा मेला, अरब देशों के करीब 25,000 ऊंटों ने लिया हिस्सा।